अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उसामा और ये गुलाम अल्लाह, हाफिज़ गुलाम अल्लाह। आज हम आए हैं अपने भैंसों के सेटअप पे। आज हम आपको यहाँ पे तकरीबन हमारे पास सारी भैंसें हैं और हमारे पास यहाँ पे दो गधे भी मौजूद हैं जो हमारे लिए और भैंसों के लिए चारा लाते हैं। हमारे लिए तो खैर चारा नहीं लाना, आप भी चारा खाते हो? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि चारा लाते हैं भैंसों के लिए, तो वो हमारे ही काम कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए ला रहे हैं। ठीक है, सो आए चलते हैं, आपको भैंसे दिखाते हैं सारी। जी, ये है हमारी नीली भैंस, जो हम नीली रावी की जो है मंडी वहां से लेके आए हैं। यार ये लेकिन है तो काली। नहीं, ये नीली रावी की भैंस की नस्ल होती है, ये अच्छा वो है। अच्छा और ये भैंस भी हमने यहाँ खुशाब मंडी से खरीदी है। तो बाकी भी हम आपको भैंसे दिखाते हैं। ये इनके बच्चे खड़े हैं भैंसों के साथ ही, वहाँ पे भी भैंसे हैं, वो बाकी चरने गई हुई हैं भैंसे, वो जब आएंगी तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी हम आपको इनका मेन्यू बताते हैं कि ये क्या क्या खाती हैं और ये क्या 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 क्या, क्या निकालती हैं। हाँ हाँ बड़ा तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं दीमा साहब। दीमा साहब हमारे लिए भैंसों का दूध दोहते हैं जी, दूध निकालते हैं मेरा मतलब। तो अभी हम आपको दीमा साहब से मिलवाने लगे हैं, वो आपको बताएंगे कि भैंसे किस तरह रखते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये है, ये सब ये जो भैंस खड़ी है ये हमारी घर की ब्रीड है, हाँ जी, ये सब भैंसे। सारी हाँ घर की ब्रीड है और ये बच्चे देख रहे हैं आप। इन भैंसों को हमने इस तरह बच्चे थे तो यहाँ से बड़ा करके यहाँ तक लेके आए, और अभी इन्होंने भी बच्चे दे दिए, तो ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, अभी बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो रात के लिए भैंसों का जो बेडरूम रहेगा वो ये है। ठीक है, ये सिर्फ बेडरूम जो है ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है, इसमें दिन में छांव के लिए ये इस्तेमाल होता है और सर्दियों में ये रात के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप इस पूरा दिखाओ ना, वो आगे भी है। हाँ तो बिल्कुल। इससे पहले आपको दीमा साहब से मिलवाते हैं जी। दीमा साहब इस वक्त शदीद गुस्से में है जी, तो हम थोड़ी देर के बाद उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त दूध निकाल रहे हैं भैंस का, तो भैंस भी जो है वो काफ़ी एग्रेशन में है। सो जब वो दूध निकाल लेंगे तो उसके बाद हम दीमा साहब से भी बात करते हैं। थ्रेशर खड़ी है बरामदे के अंदर। इस थ्रेशर के जरिए हम क्या करते हैं, क्या क्या ये हमारे काम करती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। थ्रेशर जो है ये भूसा निकालती है दानों को बिल्कुल प्रेस करके, गाला बना के उससे ये भूसा निकालती है, दानों अलहदा करती है। इसके अलावा बाजरा, मकई, जो चीज़ भी इसको डालें, इसमें डाल दें, वो उसको बिल्कुल हार्वेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास है भूसे का स्टॉक, जो तकरीबन हमने तकरीबन पूरे साल के लिए स्टॉक कर रखा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी पलते हैं, उनकी बकायदा अफजाइश होती है, खुद बहुत होती है, हम नहीं करवाते। ओ ये गुस्सा कर रही है, बच्ची गुस्सा कर रही है जी, या डर रही है तो या फिर गुस्सा कर रही है, ज़्यादा डर रही है। मोबाइल शायद पहली दफ़ा देखा है, देहाती लोग हैं ना, इनके सामने मोबाइल या कैमरा आ जाए तो बेचारे यार डर ये जाते लोग हैं। नहीं है, और यार लोग ही हैं ना, क्योंकि देहात के लोग भी डंगरों की तरह ही होते हैं ना, मेरे समेत ही। हमारे प्यारे मामू गाजी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से जा रहे हैं, रफू चक्कर हो रहे हैं, इनसे गाजी का पुत्र बैठा है। राधे खान ये मामू गाजी जान। गाजी खान इधर ले आए ना यार, कैमरा नेड़े करो। गाजी साहब को समझने के लिए आपको गूगल से कोई डिक्शनरी नहीं मिलेगी और ना ही गूगल आपकी मदद करेगा, क्योंकि इनकी जुबान इस पूरी दुनिया बल्कि पूरे यूनिवर्स में और कहीं भी नहीं मिलती। गाजी साहब को एक जुमला बोल दें। गाजी साहब की कॉल आ चुकी है, बहुत ही मसरूफ इंसान है क्योंकि व्यापारी है ना जी। हाँ अभी बिजी है, बिजी अभी, नो टाइम आफ्टर आई आफ्टर। हाँ जी। ओह माय गॉड, ये है इनकी मुनफरिद अरे जबान, अरे जो कोई भी गूगल नहीं समझ सकता। और इंसान तो दूर की बात है, गूगल को भी पीछे छोड़ दिया भाई जान ने। याद नहीं किथे खान ब्रो, क्या हाल थी? गाजी का बचुंगड़ा बैठा है और ये बड़ा ही परेशान हो रहा है। हमने तो ये काम शुरू कर दिया है व्लॉगिंग वाला आप लोगों के लिए, तो ये सारी ड्यूटियाँ किसी और के सपोर्ट कर दी गई हैं। ठीक है,
So let me introduce to my lovely one again, Deema. Deema कौन है? अभी आपको उसे मिलवाते हैं जी. Deema साहब इधर देखे ना जी. Deema मतलब नदीम. नदीम ना है तोड़ा? हाँ जी. और सुनाओ, एक काम तुसी सोखा करें दे हो या ओखा कर दे हो? दिमाग तो उससे किस किस्म का सवाल कर रहे हैं आप उससे? अबे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे. सोख है? कितना को सोख है? अच्छा. ये जी हमारे बड़े ही प्यारे नदीम भाई हैं जी. ठीक है, हम इनको भैंसों के लिए चारा लेके आते हैं, भैंसों का दूध दोते हैं, सारा काम भैंसों का यही करते हैं. और जी अकेला बंदा है, बड़ी मेहनत से ये काम करता है जी. इसके लिए एक लाइक होना चाहिए. एक लाइक तो कम है नदीम साहब के लिए, एक से ज़्यादा लाइक होने चाहिए. देखें उन्होंने अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर जानवरों की खिदमत में अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो सर्व कर दी है, और मज़ीद आने वाली ज़िंदगी में भी वो यही सोचते हैं कि सारी अपनी ज़िंदगी जानवरों को दान कर देंगे. सो आए चलते हैं हम आपको अपने जानवरों की जो चारा बनाने वाली मशीन है उसकी तरफ लेके चलते हैं जी. तो ये अभी फ़िलहाल तो बंद है, तो जब हम इसको चलाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि हाउ इट वर्क्स. जस्ट लाइक यहाँ पे जानवरों का चारा मौजूद है. सुबह का बना हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा सख्त पड़ने लगा है और सूखने लगा है. तो Deema साहब यहाँ पे जानवरों के लिए चारा लेके जा रहे हैं. क्या हो गया जी Deema साहब? हाँ, कुतरा घात रहे हैं जी Deema साहब. बड़ी मेहनत के साथ जानवर पालन कोई सोखा काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है. तो जब आप आएंगे इन जगहों पे तो आपको ये पता चलेगा, ये मिस्ट्री भी आपके सामने रिवील हो जाएगी. सो अभी आप लोगों को कुछ सीन्स दिखाने हैं. ये सीन्स जो हैं ये सिर्फ ना आपको देहातों में ही मिलेंगे, और इन सीन्स पे अक्सर लोग अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं इस सुकून को पाने के लिए. लेकिन फिर भी ये सुकून नसीब वालों को ही मयसर है. अब ये देखें, ये सुकून लेने के लिए मेरे पास आ गया. सुकून से ज़्यादा मुझे लगता है चुम्मी लेने के लिए आ गया. हट पीछे, हट पीछे. इसको एथिक्स नहीं सिखाए गए. ये गाजी साहब का कुत्ता है जी. गाजी साहब ने बिल्कुल इसको कोई एथिक्स नहीं सिखाया. जिस तरह वो खुद हैं उसी तरह उन्होंने इसका पालन किया है जी. चल पीछे आप, चल. तो ये है सारा यहाँ का सीन है जी. नलका लगा हुआ है जानवरों को पानी पिलाने के लिए. खैर ये जानवरों के लिए वहाँ पे है पानी वाला सेटअप, ये वाला इंसानों के लिए. जी तो अभी एक और चीज़ है जो आप लोगों को दिखानी बाकी है, और वो जो चीज़ है उसको बदनाम बड़ा किया गया आज तक. मैं और मेरा गिला भी यही है अपना नेचर से, कि इस चीज़ को नेचर से नहीं खैर माशरे से मुझे ये गिला है कि इस चीज़ को इतना बदनाम क्यों किया है जी. जबकि वो चीज़ इतनी प्यारी है ना कि आप देख लें और आप कहेंगे कि यार वाकई मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ. अभी आपको दिखाता हूँ उससे जो दो दिन पहले पैदा हुआ है. मेरा मतलब था ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा, मेरा मतलब खोते का बच्चा. तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा होता है, मगर पता नहीं क्यों इसको हकारत की नज़र से हमेशा से देखा जाता है. और जो भी पागल हो या इस तरह का कोई बंदा हो तो हम उसको खोते का बच्चा बोलते हैं, पता नहीं क्यों. तो एक और बात यहाँ से हमें सीखने को मिलती है कि अगर खूबसूरती मायार होती तो गधे का बच्चा सड़कों पे रुलता हुआ ना मिलता. तो आप ये तो यहाँ पे देहाती इलाकों की ये रौनक है कि इन चीज़ों को इसने समोया हुआ अपने अंदर, वगरना ये चीज़ें शहरों में सड़कों पे रुलती हुई मिलती हैं. सो मुझे तो ये बड़ा प्यारा लगा. आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे. तो अभी मगरिब का वक्त हो चुका है, हम अभी मगरिब की नमाज़ अदा करके और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखें और लाजमी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. शुक्रिया.